नमस्कार दोस्तों। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो लेकिन छोटा सा दीपक प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, माता पिता का प्रकाश उस अंधकार को मिटा देता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 5 जून दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज सोमवार है, आज भगवान भोलेनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 5 जून 2023 दिन सोमवार। आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। सूर्योदय 5:44 AM, सूर्यास्त 7:06 PM। सूर्य राशि सूर्य वृषभ राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:51 PM। आज का चाणक्य विचार। जीवन की सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर क्या ये सोचना ठीक है? आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 चीजों का ध्यान रखें तो जिंदगी की हर परेशानी आसानी से दूर कर पाएंगे। कभी भी डरे नहीं। बुरा वक्त आने पर आप डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि आपको शांत और स्थिर मन से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। बुरे ख्यालों को मन से निकाल दें। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, दरअसल ये दुखी है जो जीवन का सच है। ये संघर्ष करना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, तो संयम और आत्मविश्वास से काम ले। सफलता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हालात और रिजल्ट पर किसी इंसान का बस नहीं होता, लेकिन किस हालात में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुरे से बुरे हालात में अगर आप खुद पर काबू रखकर प्रतिक्रिया देंगे तो आपसे सफल इंसान कोई नहीं हो सकता। बुरे समय में भी अवसर तलाशें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने की वजहों को तलाशें। बुरा समय देखकर हिम्मत न हारें और उन हालातों में बाहर निकलने की लगातार कोशिश करें। सही जानकारी लें। लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन का एक वार ही काफी होगा। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज आप परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपकी कार्य क्षमता भविष्य में आपको फायदा दिलाएगी। आप सेहतमंद बने रहेंगे। आपकी सभी योजनाएं भी सफल होंगी। परिवार में मांगलिक कार्य की संभावना है। खर्च अधिक बढ़ेंगे। बहन को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होंगी। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आप अपने सभी प्रयासों में सफल होंगे और प्रभावशाली स्थिति की ओर बढ़ेंगे। आपकी कुछ पोषित इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक परिवेश से खुश रहेगा और सामाजिक रूप से आप अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आपके संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण बनेंगे। आप सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होंगे। आज आप अपने इसी डेली रूटीन में बदलाव करने की सोच सकते हैं। आप अपने साथियों को खुश करने की कोशिश भी करेंगे। BCA स्टूडेंट्स को करियर में सफलता मिलेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आज आप कोई जरूरी प्लानिंग कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। घर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आपको सभी कार्यों में कामयाबी मिलेगी। परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश पाने वाले सफल होंगे। व्यवसायी लंबे समय से चली आ रही जटिल समस्याओं का समाधान पाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर संयम रखने की आवश्यकता है। बेकार की गतिविधियों पर समय और ऊर्जा खर्च ना करें। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे, लेकिन कुछ को बुखार परेशान कर सकता है। आप अपने शुभचिंतकों के सहयोग का आनंद लेंगे। आज समय शाम के समय जीवन साथी के साथ बाहर डिनर करना आपको सुकून देगा। आज आपका जो मूड है वो काफी खुश मिजाज बना रहेगा। ऑफिस के मामलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके रुके हुए काम सहयोगी की मदद से पूरे हो सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आज कुछ लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा। किसी दूसरे की ज्यादा आलोचना करने से आपको बचना चाहिए। जहां तक आपके करियर की बात है तो परिणाम हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपको भ्रमित कर सकते हैं। यह आपके काम में कुछ नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें। रचनात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और उनमें वृद्धि करेगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। प्रेमी अपने जीवन साथी के प्रति
अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। आप कई नए संपर्क बनाएंगे और दोस्ती करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज आप ऑनलाइन सर्चिंग में बिजी रहेंगे, आपके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ आप अपने लिए खरीद सकते हैं, आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप शाम को बच्चों का साथ कहीं आसपास घूमने जाएंगे, कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन घर के मामले में आप कुछ परेशान रहेंगे। आप किसी पुरानी बात को लेकर बार बार सोच सकते हैं। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, भाई बहनों से काम में सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा। मंदिर में नारियल दान करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, आपकी लोकप्रियता अपने चरम पर होगी और आप बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में आप कमांडिंग स्थिति में रहेंगे, सामाजिक लोकप्रियता के चलते आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आर्थिक पक्ष यथावत रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा, आपका जीवन साथी और बच्चे के प्रति आप बहुत स्नेही रहेंगे। परिवार में कोई शुभ समारोह हो सकता है, आज किसी व्यक्ति को आपसे उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं भी होंगी। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय कारगर साबित होगी, लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। रिश्तों में मिठास पड़ेगी, आज किसी काम में थोड़ी मेहनत से ही किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा, कुछ दोस्तों के साथ आप समय बिताएंगे, ऑफिस के किसी काम से आपको कोई छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी, आपकी यात्रा सुखद रहेगी और आपका काम भी जरूर बनेगा। आज पैसा वहीं खर्च करें जहां के लोगों पर आपको भरोसा हो। माता पिता के गुस्से का शिकार आप बन सकते हैं, आप अपने प्रियतम के साथ आनंद के पल बिताएंगे, शादीशुदा लोगों के बीच बेवजह कुछ वाद विवाद हो सकता है। आपके पास अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ अपनी मानसिकता साझा करने का समय होगा। प्रेम संबंधों में लिप्त जातक अपने साथी के साथ भावनात्मक परिवेश में एक नया समीकरण विकसित कर पाएंगे, इससे आपका रिश्ता पहले की तुलना में अधिक सुखद होगा। आज व्यवसायिक और व्यापारी सभी गतिविधियों में काफी प्रगति होने की संभावना है, जो लोग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से ये एक उत्कृष्ट समय है, आप में से उच्च विदेशी संपर्कों द्वारा भविष्य में प्रचुर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का आज दिन है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। आज आपका साथी किसी और के साथ ज्यादा समय बिताएगा, इस बात से आपका मन अशांत हो सकता है। आज आपका सोचा हुआ काम अचानक से पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो दिन फेवरेबल है, आपकी सफलता सुनिश्चित है, आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा, ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे, दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग सफल रहेगी, आपको काम के नए अवसर जल्द ही मिलेंगे। अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको किसी मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है, गुस्सा आज ज्यादा रहेगा और गुस्से में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, सोच समझ कर कोई भी फैसला करें, अपने प्रिय से मनमुटाव हो सकता है, उसकी कोई बात आपको बुरी लग जाएगी, ऐसी स्थिति में आपको काम और अपने रिश्ते के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा, किसी पुरानी बात को लेकर सहयोगियों से बहस हो सकती है, अतः सावधानी से काम लेकर विवादों को टाले। निजी जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, बेहतर होगा आप अपने जीवन साथी की सोच को समझने का प्रयास करें, बात का बतंगड़ ना बनाएं, खान पान पर संयम रखें। प्रेम संबंधों के संदर्भ में आज का दिन अनुकूल है, लेकिन आप अपनी या अपने संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आज आपके नए दोस्त बन सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप घर के निर्णय सावधानी से लें, किसी भी तरह के मतभेद से बचना चाहिए क्योंकि ये किसी बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय, लव लाइफ को अच्छा रखने के लिए एक दूसरे को चांदी की वस्तुएं भेंट करें। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।